सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट जो फुकेत में है और इट्स अ बीच हिल रिजॉर्ट और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। बहुत टायर्डनेस था पूरा, मतलब हम चले थे हम 3 बजे फेरी से, फेरी 2.5 घंटे लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है फुकेत में। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी, बट अभी हमारा फॉर्म फिल कर रहे हैं और फॉर्म फिल करने के बाद फिर हम रूम का आपको टूर देते हैं। अभी प्रॉपर्टी बाहर से कैसे दिखती है वो आपको मैं शो करता हूँ। सो गाइस ये है इसका रिसेप्शन एरिया और एम्बियंस बहुत ही सुंदर है इसका और लोकेशन इसकी बहुत ही प्यारी है क्योंकि ये है बिल्कुल काटा बीच के पास में और इसके रिव्यूज भी बहुत ऑनलाइन बहुत अच्छे थे। अभी हम आगे चल के आपको इसका रूम टूर देते हैं। बैग लेके जा रहे हैं अभी और बहुत टायर्ड हो गए बट हिम्मत अभी पूरी छोड़ी नहीं है, अभी जाएंगे अच्छे से व्लॉग शूट करना है, एक चीज़ कवर करनी है। सो गाइस ये हम आ चुके हैं रूम के अंदर और आप जैसे देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है और जहाँ पे देख सकते हैं सारी एमिनिटीज अवेलेबल हैं लाइक स्लीपर आप देख सकते हैं और कैटल है आपका एंड टीवी यूनिट। सो देखा जाए तो सारी एमिनिटीज़ यहाँ अवेलेबल है। थीम बहुत ही सुंदर है, बहुत रिलैक्सिंग थीम है यहाँ पर और आप अगर मैं साइड एंगल से दिखाता हूँ आपको तो आप देखिए इस एंगल से। सो एट फर्स्ट ग्लैंस आपको सब कुछ आपको वेल मैनेज्ड नीट एंड टायरी और बोले तो एमिनिटीज़ काफ़ी सारी आपको दिखाई देंगी और ये जो प्रॉपर्टी है ये सी व्यू के साथ है। सो अभी चल के बाहर से मैं आपको सी व्यू भी इसका दिखाता हूँ। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का सी व्यू जो कि बालकनी से बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं लश ग्रीनरी है पूरी और सामने सी व्यू इतना प्यारा दिखाई देता है, सनराइज सनसेट प्रॉपरली इज विजिबल। सो ये टोटली वर्थ है इस प्रॉपर्टी के लिए। सो गाइज अभी रूम टूर के बाद आपको मैं दिखाने वाला हूँ रिजॉर्ट का टूर और साथ में ये है डाइनिंग हॉल जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच ऑन डिमांड लाइव किचन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। इस प्रॉपर्टी की खास बात ये है कि यहाँ पे इंडियन शेफ्स भी अवेलेबल हैं। सो आपको इंडियन खाना जो है बहुत ही लजीज मिलेगा आपको, इट विल बी वेरी डिलीशियस टू ईट और सामने देख सकते हैं बाकी चीज़ें भी हैं आपके एमिनिटीज़ में। सो फॉर फूड वाइज 10 out of 10 एंड प्रॉपर्टी की वैसे बात करें तो प्रॉपर्टी एज काटा बीच के काफ़ी पास है तो ये वैसे भी वर्थ इट है। और बाकी अभी चलते हैं हम बाहर और आपको मैं थोड़ा बाहर का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है इस प्रॉपर्टी में 3 स्विमिंग पूल इंक्लूडेड हैं जिसमें एक कवर्ड भी है और बाकी 2 हैं जो ओपन में है। तो आप देख सकते हैं तीनों एक्सेसिबल हैं और साथ पे जिम फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो आप माउंटेन के साथ साथ ये व्यू और आप स्विमिंग पूल और साथ में आप जहाँ डाइनिंग हॉल था, सो जो व्यू है यहाँ पर खाने का बैठने का रूम करने का इज़ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड ऑन पॉइंट। And on through the sun rays and on.